पीपल हु डोंट नो हिंदी स्लैश उर्दू लैंग्वेज स्किप टू 7 मिनट्स टू वॉच इंग्लिश कॉन्टेंट। हार्मनी ओएस व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो हार्मनी ओएस के बारे में जितनी भी न्यूज़ थी ऑलमोस्ट सारी मैंने कवर करी है। तो आज भी जो है ना हुआवे के जो हार्मनी ओएस है उसके बारे में मेरी क्या थिंकिंग है, क्या आइडियोलॉजी है, फुली रिसर्च वीडियो है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेट्स बिगिन। हुआवे ने जो क्लेम करे थे कि हार्मनी ओएस माइक्रो कर्नल पे बेस्ड होगा, फ्यूशिया से फास्ट होगा। फ्यूशिया आपको नहीं पता कि गूगल का न्यू ओएस है और एंड्रॉयड से भी फास्ट होगा, आईओएस से भी फास्ट होगा। सबको लगा कि हाँ भाई हुआवे जो है स्मार्टफोन मार्केट के बिजनेसेस पूरी तरीके से पलट देगा एंड ग्लोबली सबसे ज़्यादा टॉप पे चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड वाले पार्ट में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे कंक्लूजन क्या है कि हुआवे इस टाइम कहाँ पर है और वो कहाँ पर पहुँचेगा फ्यूचर में। हुआवे ने एक तगड़ा शॉर्टकट सोचा है जिसकी वजह से वो जो है ना चाइना में भी अच्छे से बिक सकते हैं और ग्लोबली भी अच्छे से जा सकते हैं। मैं बताता हूँ वो क्या शॉर्टकट है। गूगल मोबाइल सर्विसेज का अल्टरनेट इन्होंने निकाला है, हुआवे मोबाइल सर्विसेज। इसका मतलब हुआवे का मेल जो है ना गूगल के जीमेल को रिप्लेस करेगा, हुआवे का पेटल सर्च गूगल सर्च को रिप्लेस करेगा, हुआवे के पेटल मैप्स गूगल मैप्स को रिप्लेस करेगा, ऐसे ही हुआवे की ऐप गैलरी गूगल प्ले स्टोर को रिप्लेस करेगी। तो ये एक तगड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे है? आपको पता होगा एंड्रॉयड जो है जो कि फ़ोन्स में चलता है गूगल एंड्रॉयड, वो जो है ना एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पे बना हुआ है। तो वो जो है ना कोई भी कंपनी कैसे भी करके यूज़ कर सकती है क्योंकि वो टोटली फ्री है। लेकिन जो गूगल मोबाइल सर्विसेज है उनको चलाने के लिए कंपनीज़ को लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे कि YouTube हो गया, Play Store हो गया, ये चलाने के लिए कंपनीज़ को लाइसेंस चाहिए जिनकी वजह से वो चला पाएंगे। जैसे मेरे पास ये Samsung का फ़ोन है, इसके अंदर Google मोबाइल सर्विसेज चल रही है, तो Samsung वालों ने Google से लाइसेंस लिया होगा और उनको पैसे भी दिए होंगे इन सर्विसेज के। ऐसे ही हुआवे क्या करेगा, जो Google मोबाइल सर्विसेज है उनकी जगह हुआवे मोबाइल सर्विसेज रख के अब एंड्रॉयड तो कम्प्लीटली फ्री है, तो वो जो फ्री वर्जन है एंड्रॉयड का वो यूज़ करेंगे और अभी भी वो वही कर रहे हैं। लेकिन हुआवे ने यहाँ पर क्या करा है, जो एंड्रॉयड का वर्ड है ना उसको रीनेम कर दिया है। हुआवे मतलब गूगल के एंड्रॉयड को उनका अपना हार्मनी ओएस कह रहा है, जैसे लोगों को लगे कि एक्चुअल में ये हार्मनी ओएस है जबकि असल में ये एंड्रॉयड होगा। हुआवे ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको बैन लगा था यूएस की तरफ से एंड यूएस बैन की वजह से वो गूगल से गूगल सर्विसेज का लाइसेंस नहीं ले सकते। तो ये जो शॉर्टकट है ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि हुआवे की सर्विसेज कैसे काम कर रही है। अगर हुआवे का पेटल सर्च चाइना में हिट होता है तो बाकी ब्रांड्स भी उसे चाइना में एक्वायर करेंगे और ग्लोबली भी एक दो फ़ोन में आता है और वो अच्छे से हिट जाते हैं, मतलब कि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो बाकी ब्रांड्स के साथ कंपेरिजन में चलती है। जैसे आप सबको पता है कि व्हाट्सएप में अगर आपको डेटा बैकअप करनी है तो आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो। तो अगर WhatsApp का जो डेवलपर है जो कि मार्क जुकरबर्ग इनका है, तो वो अगर ऐसे प्रोग्रामिंग करेगा कि हुआवे की जो ड्राइव है, अब हुआवे की सर्विसेज होंगी तो हुआवे की ड्राइव होगी, तो उसके थ्रू अगर डेटा बैकअप हो सकती है तो ग्लोबली भी ये सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकती है एंड हुआवे वापस अपनी पोजीशन पे आ सकता है अगर बाकी ब्रांड्स उसे लेते हैं एंड अगर वो सर्विसेज पे अच्छा काम करते हैं। तो अब ओएस बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, क्योंकि ओएस में जो है ना एक तो हज़ारों लाखों जो है ना डेवलपर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि सपोज़ करो मैं एक मोबाइल का ओएस बना रहा हूँ, तो ओएस बनाना ही बड़ी एक चीज़ होती है, क्योंकि इनके अंदर ना टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, टन्स ऑफ एरर आते हैं। जैसे कि मैंने मोटरोला के फ़ोन यूज़ किए थे 4.4 किटकैट वर्जन पे, उनमें पता है क्या होता था, वॉइस रिकॉर्डर ही नहीं होता था। तो मतलब वो जो है ना एंड्रॉयड की तब स्टार्टिंग हुई थी, इसी वजह से वॉइस रिकॉर्डर उसमें नहीं था। लेकिन जो अदर डेवलपर हैं उन्होंने जो है ना एंड्रॉयड पे वॉइस रिकॉर्डर बनाई थी एंड मैंने जो है ना प्ले स्टोर से निकाल के उनको यूज़ किया था, तो वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें काम कर रही थी मोटरोला के फ़ोन में। तो ओएस बनाना नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन दिस 2021 ईयर। बिग प्रॉब्लम इज़ उनको जो है ना ऐप्स चाहिए। अब देखो ना मेरे पास फ़ोन है, इसके अंदर म्यूज़िक है, कॉल्स है और सब कुछ है ऑलमोस्ट, लेकिन स्नैपचैट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, गेम्स नहीं है, पबजी नहीं है, ठीक है। अब ये जो गेम्स हैं इनको जो है ना अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी अगर न्यू ओएस है तो। अब वो हुआवे जो है वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है ना, तो उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि एंड्रॉयड पे ऑटोमेटिकली ऐप जो है ना इंस्टॉल हो जाएगी। अगर वो हार्मनी ओएस है, अगर हुआवे से हार्मनी ओएस कह रहा है तो हार्मनी ओएस थोड़ी हो गया ऐसे ही। तो मतलब जो भी चीज़ें एंड्रॉयड पे चलती है वही सेम हार्मनी ओएस पे काम करेगी, क्योंकि एक्चुअल में है तो एंड्रॉयड ना।
सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो ओएस बनाना क्यों बड़ी बात है, क्योंकि ओएस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, और जो डेवलपर्स होते हैं ना उनको ना अपनी ऐप स्विच करनी होगी। लेट सपोज मैं एक न्यू ओएस बना रहा हूँ जिसका नाम है मिस्टर धमाकेदार, ठीक है। तो उस ओएस में इन ऐप्स को चलने के लिए ना इनको कोडिंग करनी पड़ेगी जैसे मैंने कोडिंग करी है उस ओएस के बारे में। अब जो ओएस होते हैं वो लिनक्स पे बेस्ड होते हैं, माइक्रो कर्नल पे बेस्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना चीज़ों पे बेस्ड करते हैं। तो इनको जो है ना उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगानी पड़ेगी, और भी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग करनी पड़ेगी। जैसे जो मिस्टर धमाकेदार नाम के न्यू ओएस हैं उनमें जो है ना कम्प्लीटली ये चीज़ें काम करे। ओएस बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है एंड मुझे नहीं लगता हुआ वैसा करेगा, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे कम है और ऊपर से जो है ना एक चाइनीज़ चीज़ होती है ना कि मतलब इंडिया में जो है ना चाइनीज़ चीज़ें नहीं चलती लाइक टिकटॉक, एंड यूएस में भी वो टिकटॉक नहीं चलता है। अभी तो पाकिस्तान में भी बैन है, तो मतलब टिकटॉक अब इनकी ऐप ही नहीं चल रही, तो सोचो हुआ वे अपना ओएस लाएगा तो क्यों चलेगी। और ऑलरेडी वो जो है ना बैन है यूएस में, तो यूएस में तो सीन ही नहीं बनता। अदर कंट्रीज़ में हिट हो सकता है अगर चाइना वहाँ पर जो है ना गुड कंट्री है ऐसे कुछ करके, तो मतलब जहाँ पे चाइना की सपोर्ट चलती है वहाँ पे ये ग्लोबली जा सकते हैं। लेकिन उनके पास जब तगड़ा एक शॉर्टकट एंड्रॉयड पड़ा हुआ मिल रहा है, तो वो क्यों इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे? इतने ज़्यादा प्ले स्टोर में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऐप्स पड़े हैं, तो वो जो है ना क्यों अलग ओएस बनाने का सोचेंगे? और सोचेंगे तो वो कम्प्लीटली फेल जाएगा, क्योंकि वो जो लाखों करोड़ों डेवलपर हैं व्हाट्सएप स्नैपचैट टिकटॉक जो भी ऐप्स हैं इनके, इनको दोबारा डेवलपिंग करनी पड़ेगी कि उस ओएस में काम कर सके न्यू में। तो जब इनको सब चीज़ मिल रही है तो ये जो है ना यही शॉर्टकट ट्राई करेंगे। हुआ वे अपनी सर्विसेज पे जो है ना काम कर रहा है। रिसेंट मैंने न्यूज़ सुनी कि पेटल मेल आ चुका है, जो कि मैंने अभी आपको बताया गूगल के जीमेल के बारे में। यही थी सारी की सारी बातें। अब हुआ वे का फ्यूचर क्या होने वाला है, सिंपल। गूगल का एंड्रॉयड उसका नाम चेंज करके हारमनी ओएस करेंगे, एंड गूगल मोबाइल सर्विस की जगह हुआ वे मोबाइल सर्विसेज आपको मिलेगी। यही थी सारी की सारी वीडियो, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और अभी तक भी देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिग प्रॉब्लम फॉर हुआवे इज दैट हुआवे कांट मेक हारमनी ओएस, सो दैट डेवलपर शुड डेवलप देयर एप्स टू वर्क इन हारमनी ओएस, सो दे हैव चूज अ शॉर्टकट विच इज दे विल यूज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज अ फ्री एंड यू कैन यूज एवरीथिंग, एवरीबडी कैन यूज एंड्रॉयड फॉर फ्री, बट फॉर गूगल मोबाइल सर्विसेज यू हैव रिक्वायर्ड अ लाइसेंस फ्रॉम गूगल टू यूज दीज सर्विसेज। सो एज यू नो दैट हुआवे इज बैंड बाई यूएस, सो दे आर मेकिंग देयर ओन हुआवे मोबाइल सर्विसेज टू कम्पीट विथ गूगल मोबाइल सर्विसेज, एंड दे आर रिप्रेसिंग द नेम एंड्रॉयड विथ हारमनी ओएस सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स हारमनी ओएस, बट इन एक्चुअल इट्स गूगल्स एंड्रॉयड, एंड इट्स अ एंड्रॉयड, सो दैट्स वाई दे विल सपोर्ट ऑल द एप्स अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, एंड दे विल बी अवेलेबल ऑन हुआवेज ऐप गैलरी। सो हुआवे यूजिंग रा फॉर्मेट ऑफ एंड्रॉयड एंड प्लेसिंग देयर हुआवे मोबाइल सर्विसेज, एंड बूम इट्स नाउ हुआवेज हारमनी ओएस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Rest in peace, my English, and thanks for watching.